सरस्वती ने अपने पति की मौत हो जाने के बाद अपनी बेटी काजल को खुद पाला था। वो दूसरों के कपड़े सिलकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा किया करती थी। लेकिन उसके घर के लालच में उसका देवर पंकज माला और रिया को शहर में रहने का सपना दिखाकर उनका घर हड़प के सरस्वती और काजल को अपने घर लेके आ जाता है, जहां अपनी विधवा जेठानी और उसकी बेटी को देखकर पंकज की पत्नी सीमा बोलती है, अजी ये क्या किया, इन भिखारियों को यहाँ क्यों ले आए? मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या? यहाँ कोई नहीं रहेगा। अरे तुम समझो, अगर एक गांव के घर में रहती तो वो घर कभी भी मेरे हाथ नहीं लगता, इसलिए मैंने वो घर बेच दिया। तुम एक काम करो ना, इन्हें दो वक्त का खाना दो और पूरे घर का काम करवाओ, तुम्हें एक नई नौकरानी मिल जाएगी। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है, आपने सही कहा। सीमा अपनी पति की बात मानते हुए अपने देवरानी और उसकी बेटी से खूब काम करवाने लगती है और कुछ समय में माला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो कुछ समय बाद अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए अपनी बेटी से बोलती है, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मैं भी तुझे छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन तुझे इस जालिम दुनिया में अपना गुजारा करना होगा, हिम्मत नहीं हारनी मेरी बच्ची। माँ मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। काजल के सामने ही उसकी मम्मी अपना दम तोड़ देती है और वहीं सरस्वती का अंतिम संस्कार करने के बाद सीमा काजल से बोलती है, ओ महारानी बहुत भाली अपनी माँ की याद में आंसू, जा अब उठकर घर के काम कर। आई बड़ी, माँ तो चली गई, अब सर पर बोझ की तरह पड़ी रहेगी, चल उठ और पहले मेरी बेटी पिंकी का कमरा साफ कर। ठीक है ताई जी। काजल अपने चाचा की लड़की पिंकी का कमरा साफ करने जाती है, जहाँ उसे उसके कमरे में एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक बेड पे पड़ी हुई दिखती है, तो वो उस फ्रॉक को उठाकर अपने ऊपर लगाकर कहती है, वाओ ये फ्रॉक कितनी सुंदर है, माँ पापा ने भी मुझे ऐसी फ्रॉक दिलाने का वादा किया था, पर शायद मुझे अब ऐसा फ्रॉक नसीब में नहीं। काजल ने इतना बोला ही था कि तभी कमरे के बाथरूम से पिंकी निकल के आती है और काजल के हाथों में अपनी फ्रॉक को देखकर पिंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो उसके पास जाती है और उसे एक तेज की थप्पड़ मार देती है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी नई फ्रॉक को हाथ लगाने की, मनहूस कहीं की, मेरी फ्रॉक गंदी कर दी तूने। मैंने बस हाथ में ली है पिंकी, पहनी नहीं है, तुम इसे पहन सकती हो। चुप कर, मुझसे जुबान उड़ाएगी। पिंकी की आवाज सुनकर कमरे में सीमा आती है, जिसको पिंकी सारी बात बता देती है। तेरी नजर मेरी बेटी की फ्रॉक पर है, अरे गरीब मनहूस, दो टाइम का खाना मिल रहा है इसका शुक्र बना, और आज की इस हरकत के बाद तुझे रात में खाना नहीं मिलेगा, चल अब काम कर जल्दी से। सीमा काजल को थप्पड़ मारकर और इतना सब कुछ सुनाकर वहां से चली जाती है और बेचारी काजल अपने काम में लग जाती है। पूरा दिन काम करने के बाद रात में उसे बहुत तेज की भूख लगी होती है। जब रात में सब जने खाना खा रहे होते हैं तो वो साइड में खड़े होकर उन्हें देख रही होती है। ये सब देखकर पंकज बोलता है, अरे इसको भी तो कुछ खाने को दे दो, ये बेचारी कब से हमारा मुंह देख रही है। कुछ नहीं दे रहे इसे खाने को, दिन में बहुत ठूस ठूस के खाया था। सही कहा पापा मम्मी ने, हम इसे जितना सर पर चढ़ाएंगे ये उतना चढ़ेगी। ताई जी प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज। खाना चाहिए तो जाकर सारे कपड़े धो दे, और जो घर के पीछे कुआ है वहीं पे जाके कपड़े धोना, टंकी का पानी खत्म हो गया है, फिर मैं खाना देने के बारे में सोचूंगी। और कमरे से मेरी नई फ्रॉक ले जाइयो, ध्यान से धोइयो उसे, फटनी नहीं चाहिए। बेचारी काजल अब उसे अपने भूखे पेट को भरने के लिए और भी काम करना पड़ेगा, इसलिए वो सारे कपड़े लेकर कुएं के पास में जाती है और कुएं के पास में बैठकर कपड़े धोने लगती है। वाह बाबा ने तो मुझसे कभी काम ही नहीं कराया था, और ताजी तो मुझे सांस तक लेने नहीं देती, इससे अच्छा तो मैं भी माँ के साथ मर जाती, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। बेचारी काजल रोते रोते कपड़े धो ही रही थी, लेकिन तभी उससे
गलती से पिंकी की फ्रॉक फट जाती है और उसी समय पिंकी वहाँ पे आकर ये सब देख लेती है। तूने मेरी फ्रॉक फाड़ दी, मनहूस नौकरानी, तुझे पता भी था कितनी महंगी थी। मुझे माफ कर दो पिंकी, मैंने जानकर नहीं किया, गलती से हुआ, मैं इसको सिल दूंगी। तूने ये जानकर किया है, जलती है तू मुझसे। पिंकी इतना सब कुछ बोल के रिया पे हाथ उठाने लगती है और गुस्से में उसे कुएं में धक्का दे देती है। पिंकी को ऐसा करते हुए सीमा देख लेती है जो भाग कर वहाँ पे आती है। ये क्या किया तूने पिंकी? माँ उसने मेरी फ्रॉक फाड़ दी थी, मैं क्या करती, गुस्सा आ गया। हे भगवान, तू तो पागल है, चल अब किसी ने देख लिया तो पंगा हो जाएगा। सीमा और पिंकी काजल को कुएं से निकालने की बजाय वहाँ से चली जाती हैं। और वहीं काजल जब कुएं में गिरकर दोबारा उठती है तो उसे वहाँ पे बहुत ही अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। हरा भरा जंगल और खूब सारे पेड़ और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए होते हैं। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो फल तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। अम्मा जी, आपको फल चाहिए? हाँ बेटी, बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं इस पेड़ पर चढ़ नहीं पाऊंगी। अम्मा जी रुकिए, मैं आपको फल तोड़ कर देती हूँ। काजल पेड़ पे चढ़ के खूब सारे फल तोड़कर उस अम्मा को दे दे देती है। फिर फल खाने के बाद वो अम्मा काजल को बड़े ध्यान से देखती है और उसके शरीर पे चोट के निशानों को देखकर बोलती है, बेटी ये चोट तुम्हें कैसे लगी? वो मेरी ताई जी और उनकी लड़की मुझे रोज मारती है और वैसे मुझे इन सब की आदत हो गई है। तुमने इतनी सी उम्र में ये सब देख लिया, अब तुमको ये सब सहना नहीं पड़ेगा। आओ मेरे साथ, तुमको शायद पता नहीं है तुम जिस कुएं में गिरी हो वह एक जादुई कुआं है। यहाँ सिर्फ फल ही नहीं बहुत सी फ्रॉक और सैंडल भी है, तुम देखना चाहोगी? हाँ अम्मा। अम्मा काजल को पूरे कुएं में घुमाती है जहाँ पे उसे काफी सारी फ्रॉक और काफी सारी सैंडल देखने को मिलती है। मुझे भी हमेशा से एक ऐसी सुंदर सी फ्रॉक चाहिए थी। लेकिन बेटी तुमने जादुई फ्रॉक चुना तो तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार होगा जो वक्त के साथ बढ़ेगा, साथ ही सुंदर सुंदर फ्रॉक की मालकिन बन सकती हो। वही सैंडल को लोगी तो तुम पैसों से अमीर हो जाओगी, जिंदगी में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी तुमको। तो क्या चुनोगी? मुझे फ्रॉक चाहिए अम्मा, क्योंकि फ्रॉक देखकर मुझे अपनी माँ और बाबा की याद आती है कि वो हमेशा मुझे ये देना चाहते थे, और इससे मुझे ज्ञान मिलेगा कि ये पैसों से ज्यादा कीमती है, पैसे तो मैं अपने आप कमा लूंगी। अम्मा काजल के जवाब को सुनकर उसे जादुई फ्रॉक गिफ्ट में दे देती है जिसको पहनकर काजल के शरीर के सारे घाव भर जाते हैं और वो अपने आप ही कुएं से बाहर भी आ जाती है। साथ ही उसके पास काफी सारी फ्रॉक होती है और वो ये सारी बातें जाकर अपनी चाची को बता देती है। ये बातें सुनकर सीमा काजल को बहुत जोर की थप्पड़ मारती है और बोलती है, बेकार लड़की, तू पैसे छोड़कर फ्रॉक ले आई, अब चाटेगी उस बुद्धि को। पिंकी बेटा, तू और मैं उस कुएं में चलते हैं और वहां से जादुई सैंडल और पैसे लेके आएंगे। दोनों माँ बेटी एक साथ उस कुएं में कूद जाती हैं और वो बाहर पंकज को खड़ा कर देती हैं ताकि वो सैंडल और पैसों के साथ उन्हें ऊपर में खींच ले। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं लेकिन पंकज को उनकी कोई खबर नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ काजल अपने ज्ञान को बढ़ाती रहती है और एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन जाती है। रामपुर गांव में राजू अपने पिता के देहांत के बाद अपनी बीमार माँ का अकेले ही ध्यान रखता था। वो बेहद ही गरीब थे जिसके चलते वो एक दर्जी के यहाँ पे काम किया करता था और वहाँ से मिलने वाले पैसों से वो अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन अचानक एक दिन बिना किसी कारण के उसे काम से निकाल दिया जाता है जिसके कारण अब राजू को पैसों की तंगी होने लगी थी
और पैसे ना होने के कारण वो अपने घर का किराया तक नहीं भर पा रहा था, जिसके चलते उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है और वो दुखी होकर अपनी माँ के साथ एक दूसरे गांव में जाकर बस जाता है। एक दिन वो कुएं से पानी लेने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पे दो सूखे पेड़ दिखाई देते हैं जिस पर कुछ ही हरी पत्तियां होती है, जिसे देखकर राजू खुद से कहता है, अरे ये इतने विशाल पेड़ इतने सूखे क्यों हैं? लगता है पानी ना मिलने के कारण इनकी हालत ऐसी हो गई है, मुझे कहीं से पानी लाकर इन पेड़ों की जड़ों में डालना चाहिए। राजू इतना कहकर पास ही के एक कुएं से थोड़ा सा पानी लाकर उन पेड़ों की जड़ों में डाल देता है। जैसे ही राजू उन पेड़ों की जड़ों में पानी डालता है, उनमें से एक पेड़ बिल्कुल सोने की तरह चमचमाने लगता है और उसकी पत्तियां एकदम सुनहरे कलर की हो जाती है, और पेड़ को सोने में बदलता देखकर राजू भी बिल्कुल हैरान ही हो जाता है। तभी उस सोने के पेड़ से आवाज आती है, तुमने मुझे पानी देकर अपनी उदारता दिखाई है, मैं सोने का पेड़ हूँ, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम सच में सोने का पेड़ हो? मैंने लोगों से सुना तो था इस गांव में एक जादुई पेड़ है, लेकिन आज देख भी लिया। हाँ वो मैं ही हूँ, और इस गांव के लोग मेरे द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। कहो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? क्योंकि इस गांव में मेरा कोई दोस्त नहीं है। राजू की ये सारी बात सुनकर सोने का पेड़ बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। वो कहता है, तुम जैसा कोई पहली बार देख रहा हूँ जो मेरे जैसे पेड़ से भी कुछ भी प्राप्त करने का इच्छा नहीं रखता, वरना तो पूरे गांव के लोग कुछ ना कुछ मुझसे मांगने ही आते हैं। अरे मैंने भी तो तुम्हारी दोस्ती मांगी है, कहो बनो के मेरे दोस्त। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर एक शर्त पर, तुम्हें मुझे रोज इसी तरह से पानी देने आना होगा, क्योंकि भले ही मैं सोने का पेड़ हूँ लेकिन मेरी जड़ें तो लकड़ी की ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात बताओ, मैंने तो तुम दोनों को पानी दिया था, ये दूसरा पेड़ अभी तक सूखा क्यों है? सोने का पेड़ उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपनी शर्त को दोबारा दोहराता है। तभी वो सोने के पेड़ की शर्त को मानकर उससे दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और राजू अपनी मम्मी का ख्याल रखने के साथ साथ रोज सोने के पेड़ को पानी भी दिया करता था और उसके आसपास सफाई भी किया करता था। एक दिन गांव का एक आदमी सोने के पेड़ के पास आवे आके कहता है, सोने के पेड़ मेरी मदद करो, मुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए, मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी सोने के पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और उस आदमी के सामने कुछ पैसे आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो पैसे लेकर तुरंत चला जाता है। लेकिन जैसे ही सोने के पेड़ से रोशनी गायब होती है, वैसे ही सोने के पेड़ की कुछ पत्तियां काली पड़ जाती है और सोने के पेड़ की आंखों में आंसू आने लगते हैं। शाम के समय में जब राजू सोने के पेड़ के पास में आता है तो उसका ध्यान पेड़ की काली पत्तियों पे पड़ता है और वो सोने के पेड़ से सवाल करता है, अरे ये तुम्हारी पत्तियों को क्या हो गया? यह सुनहरी से काली कैसे हो गई? सोने का पेड़ उसकी बातों का फिर कोई जवाब नहीं देता और अपने बगल के सूखे पेड़ की तरफ देखने लगता है। यह देखकर राजू बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसकी चुप्पी देखकर राजू समझ जाता है कि कोई तो बात जरूर है। अगले दिन गांव का एक और आदमी सोने के पेड़ से मदद की गुहार लगाता है और सोने का पेड़ उस आदमी की भी मदद करता है, जिसके बाद सोने के पेड़ की कुछ और पत्तियां भी काली पड़ जाती है। लेकिन इस बार राजू ये सब कुछ होते हुए देख लेता है और उस आदमी के जाते ही सोने के पेड़ से फिर वही सवाल करता है तो सोने का पेड़ उससे कहता है, राजू दरअसल बात ऐसी है, ये सूखा पेड़ मेरा दोस्त हीरे का पेड़ है, लेकिन इसकी जादुई शक्तियाँ एक चुड़ैल के कब्जे में कैद है, इसलिए ये बिल्कुल सूख गया है। जब तक मेरा दोस्त मेरे पास वापस नहीं आ जाता, तब तक जब जब मैं लोगों की मदद करूँगा तो मेरे पेड़ की पत्तियाँ काली होते रहेगी, और एक दिन जब मेरे पेड़ की सारी सुनहरी पत्तियाँ काली हो जाएगी तो मैं भी बेजान होकर गायब हो जाऊँगा। हाँ
तभी उस दिन पानी देने पर तुम तो एकदम चमक उठे, लेकिन इस पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, वो जादूगरनी गांव की पुरानी गुफा में रहती है, और इस पूर्णिमा को वो मुझे भी यहाँ से ले के चली जाएगी और हम दोनों पेड़ का जादू अपने अंदर समाहित कर लेगी। लेकिन उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा ना? हाँ, एक उपाय है। अगर कोई उस गुफा में जाकर उस जादूगरनी के गोले को चकनाचूर कर दे तो मेरे दोस्त की शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाएगी। लेकिन उस गुफा में जाकर ये काम करना इतना भी आसान नहीं है। सोने की ये बात सुनकर राजू सभी गांव वालों को वहां पे बुला लेता है और उन्हें ये सारी बातें बताकर सोने के पेड़ की मदद करने के लिए कहता है। लेकिन सभी गांव वाले मना करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, हम उस जादूगरनी के गुफा में नहीं जा सकते, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो आप सब लोग? इस सोने के पेड़ ने आप लोगों की इतनी सारी मदद करी है, तो इसके बुरे वक्त में तुम लोग इसकी मदद नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो खुद ही मदद कर लो ना। लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजू खुद ही उस पेड़ की मदद करने के बारे में सोचता है और शाम के समय में उस जादूगरनी की गुफा में चला जाता है, जहाँ जादूगरनी तो नहीं दिखती लेकिन एक चमकता हुआ गोला उसे जरूर नजर आता है। तभी राजू चुपके से उस गोले के पास में जाता है और उसे गिराकर उसे चकनाचूर कर देता है, जिससे हीरे के पेड़ की आत्मा और जादुई शक्तियां मुक्त हो जाती है। तभी वहां पे जादूगरनी आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। राजू जादूगरनी को देखकर एकदम ही डर जाता है। तभी जादूगरनी राजू की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, लेकिन तब तक हीरे के पेड़ की जादुई शक्तियां उसके पास वापस आ जाती है और उधर जादुई गुफा में तेजी से भागने लगता है, और वो भागते भागते अचानक से ही गायब हो जाता है और वो उन दोनों पेड़ों के पास में पहुंच जाता है। राजू ये सभी कुछ देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। तभी हीरे का पेड़ कहता है, सोने के पेड़ और मेरे साथी, यार तूने मुझे उस जादूगरनी से बचा ही लिया। मैंने नहीं भाई, इस लड़के ने तुम्हें बचाया है। इसका नाम राजू है। अगर ये अपनी जान की परवाह किए बिना गोले को नहीं तोड़ता तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। हाँ, तुम सही कह रहे हो राजू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अरे मैंने तो बस अपनी दोस्ती निभाई है, लेकिन मैं अचानक गुफा से यहाँ पे कैसे आ गया? मेरे जादू के जरिए तुम यहाँ पे आए हो, और वो अपने जादू से एक साधारण पेड़ का रूप ले लेते हैं, और अब वो दोनों के दोनों पेड़ बिल्कुल नॉर्मल पेड़ों की तरह दिखने लगते, और राजू भी उन्हें रोज पानी दिया करता था, और वो दोनों पेड़ अपनी जादुई शक्तियों की मदद से लोगों की मदद करते रहते हैं। हरिपुर गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थी, एक बेटी का नाम वासु था और दूसरी बेटी का नाम रागनी था। उसकी बड़ी बेटी वासु बहुत मेहनती थी और वो दिल की भी बहुत अच्छी थी। लक्ष्मी अपनी बड़ी बेटी वासु से ही घर के सारे काम करवाया करती थी, क्योंकि वो उसकी सौतेली बेटी थी। दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी रागनी बहुत ज्यादा आलसी और कामचोर थी। वो सारा दिन सोई रहती थी। रागनी लक्ष्मी की सगी बेटी थी। लक्ष्मी रागनी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वासु, जल्दी से जाओ और मेरी प्यारी बेटी के लिए खाना लेकर आओ। बिचारी सुबह से कुछ नहीं खाई है, मुँह क्या देख रही है, जल्दी जा। जी माँ, अभी लाती हूँ। लक्ष्मी वासु से न केवल घर के काम करवाती थी बल्कि बाहर के भी सारे काम करवाती थी, जैसे जंगल से लकड़ी लेके आना और कुएं से पानी लेके आना। एक दिन जब वासु कुएं से पानी लेने जा रही थी, तभी उसका पांव एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है, और उसका मटका उड़ते हुए सीधे कुएं के अंदर चला जाता है, और यह सब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो भागते हुए वापस घर जाती है। माँ जी, माँ जी, वो मटका मुझसे कुएं में गिर गया, मुझे माफ कर देना। अलमुही कहीं की, तू खुद उस मटके के साथ कुएं में क्यों नहीं गिर गई? मुझे नहीं पता, मुझे वो मटका वापस चाहिए। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं होते कि मैं एक मटका खरीदूं। चल जा, वो मटका लेके आ। लक्ष्मी की ये बात सुनकर वासु दोबारा कुएं के पास जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं इस कुएं से मटका कैसे निकालूं? मुझे खुद ही इस कुएं में जाना पड़ेगा। आखिर में वो खुद ही उस कुएं में छलांग लगा देती है। वो बेहोश हो जाती है, और जब वासु की आँख खुलती है, वो एक बहुत ही सुंदर जगह पे थी। ये
क्या, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। इतना कहते ही उसे वहाँ पे एक खूबसूरत सा घर नजर आता है। इतना सुंदर घर किसका है, चलो अंदर जाके देखती हूँ। वो अंदर जाकर पूरे घर को देख ही रही होती है, तभी उसे वहाँ पे एक चुड़ैल नजर आती है। उस चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तुम मुझसे डरो नहीं, मैं अच्छी चुड़ैल हूँ, तुम मेरे घर का काम कर देना, मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगी और रहने के लिए जगह भी दूंगी, लेकिन एक कमरा है उसमें मेरा खजाना पड़ा हुआ है, तुमने उस कमरे में कभी भी नहीं जाना। घर पर तो मैं सारा दिन काम ही करती हूँ, यहाँ पर भी कर लूँगी। आज से यह तुम्हारा कमरा है। यह कितना सुंदर कमरा है। और फिर अंजलि उस चुड़ैल के घर में काम करना शुरू कर देती है। अंजलि बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से उसका घर का सारा काम करती थी। उसने कभी भी उस दरवाजे की तरफ नहीं देखा। चुड़ैल जी, मुझे घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है, मुझे घर वापस जाना है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे घर का काम सही तरीके से किया और उस दरवाजे को कभी नहीं खोला। मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ साथ आओ। वो फिर वासु को उस कमरे में लेके जाती है और वासु के ऊपर उस कमरे में जाते ही सोने की बारिश होने लगती है और धीरे धीरे वो पूरी की पूरी सोने से ढक जाती है। चुड़ैल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद चुड़ैल अपने जादू से वासु को उसके घर वाले कुएं के पास भेज देती है। जब वासु अपने घर पहुंचती है तो वो टाइम देखती है तो वहाँ पे सिर्फ एक घंटा ही बीता होता है। जब लक्ष्मी वासु को इतने सारे सोने के साथ देखती है वो बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। वासु, तो इतने देर से कहाँ थी और तुझे इतना सारा सोना कहाँ से मिल गया? फिर वासु उसे सारी बात बता देती है। वासु की ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मी अपनी बेटी के पास जाती है और उससे कहती है, तुझे पता है वासु को बहुत सारा सोना मिला है, एक काम कर तू भी उस कुएं के पास जा और वहां से खूब सारा सोना लेके आना। रागिनी भी उस कुएं के पास में जाती है और वो भी उस कुएं में छलांग लगा देती है। और जैसे ही रागिनी को होश आता है तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे पहुंच जाती है। यह तो वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है, वो शायद चुड़ैल का ही घर है। और ये कहकर रागिनी उस घर में चली जाती है। क्या आपको काम करने वाले की जरूरत है? मैं आपका घर का सारा काम कर दूंगी। हाँ, मुझे घर में काम करने वाले की जरूरत है, तुम मेरे घर का सारा काम कर देना, मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगी, बस एक खजाने का कमरा है, तुमने उस दरवाजे को नहीं खोलना। ठीक है, मुझे मंजूर है। रागिनी दो दिन तक तो उसके घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है, लेकिन वो फिर थक जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आलसी थी, उसे काम करने की आदत तो थी नहीं, वो घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। वो दिन भर आराम करने लगी और एक दिन उसके मन में एक ख्याल आता है। यह तो बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं वासु इतना सारा काम कैसे कर लेती थी, मुझसे इतना सारा काम नहीं होता। ऐसा करती हूँ, उस कमरे से सोना उठा लेती हूँ और यहाँ से भाग जाती हूँ। वो चोरी चुपके उस कमरे में जाती है और जैसे ही वो उस कमरे में पहुँचती है उसके ऊपर गोबर की बारिश होने लगती है, वो गोबर से पूरी ढक जाती है और तभी वहाँ पे वो चुड़ैल भी आ जाती है। तुम जैसे लालची इंसानों का मुझे अच्छी तरह पता है, तुम जिस चीज की हकदार थी वो चीज तुम्हें मिल गई है, अब मैं तुम्हें वापस भेज रही हूँ। फिर वो चुड़ैल रागिनी को भी उस कुएं के पास में भेज देती है और फिर रागिनी उदास मन के साथ अपने घर की तरफ वापस जाने लगती है। और जब वो घर पहुंच जाती है लक्ष्मी उससे कहती है, क्या हुआ, तू सोना लेकर नहीं आई, तू तो खाली हाथ आ गई है। मुझसे इतना काम नहीं होता। तू दो दिन वहाँ काम नहीं कर सकती थी, तेरा भी क्या फायदा, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। रिंकू और पिंकू दोनों बचपन से ही दोस्त थे, लेकिन रिंकू एक अच्छे घर से था, वहीं पिंकू गरीब घर से था। पिंकू की माँ बोल नहीं सकती थी, जिसकी वजह से पिंकू हमेशा अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए तरसता रहता था। वहीं रिंकू की माँ सुमन उसकी सगी नहीं बल्कि सौतेली माँ थी, लेकिन रिंकू को इस बात का उसने कभी भी एहसास नहीं होने दिया।
लेकिन रिंकू फिर भी अपनी मम्मी से हमेशा ही नफरत ही किया करता था। ऐसे ही एक दिन रिंकू बिना कुछ खाए पिए पिंकू से मिलने जा रहा था, तभी रिंकू की माँ सुमन उसे टोकते हुए बोलती है, बेटा रिंकू कुछ खा के जाओ, मैंने सैंडविच बनाया है, तुम पिंकू बेटे के लिए भी लेके जाओ। आपको कितनी बार बोला है मैंने, मुझे बाहर जाते वक्त टोका मत करो, लेकिन आप कभी नहीं मानते। बेटा मैं तो तुमसे बस ये कह रही हूँ, कुछ खा के जाओ। मुझे नहीं खाना आपके हाथ का कुछ भी, और हाँ मेरी माँ बनने की ना कोशिश मत किया करो, मेरी माँ मर चुकी है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो ये दिखावा मत किया करो मेरे आगे, समझी आप। रिंकू इतना कहकर घर से जाने लगता है कि तभी वहाँ दरवाजे पर पिंकू आ जाता है, जो रिंकू और सुमन की सारी बातें सुन लेता है और वो बोलता है, क्या यार रिंकू तू भी ना, तुझे तो पता है मेरी मम्मी बोल नहीं सकती, इसलिए वो मुझसे कभी नहीं कह पाती, ये ले बेटा खाना खा ले, मैं उनकी आवाज सुनने को कितना तरस जाता हूँ, और आज तो मैं खाना खा के भी नहीं आया, चलना भाई खाते हैं खाना जो आंटी ने बनाया है। मुझे नहीं खाना है इनके हाथ का खाना। अरे भाई मुझे तो खाना है ना, आंटी आप मुझे खाना खिलाओगे? हाँ बेटा जरूर। पिंकू सुमन के बनाए सैंडविच को बड़े मजे से खाता है, उसे ऐसे खाते हुए देखकर रिंकू का भी मन कर जाता है, और आखिरकार वो भी अपनी सौतेली माँ के बनाए हुए सैंडविच खा लेता है। उसके बाद दोनों दोस्त खेलने चले आते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सुमन चाहे कितना भी अच्छा कर ले पिंकू के लिए, लेकिन वो उन्हें कभी भी पसंद नहीं आती। और दूसरी ओर पिंकू अपनी गुंगी माँ की दिन रात सेवा किया करता था, और एक दिन जब दोनों माँ बेटे खाना खा रहे होते हैं, तभी पिंकू बोलते हैं, माँ तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए एकदम तरस गया हूँ, काश मुझे कोई ऐसा मौका मिले ना कि मैं अपनी आवाज के बदले तुम्हें आवाज दे सकूं, तो मैं जरूर करूँगा। पिंकू की माँ उसकी ऐसी बातें सुनकर उसे अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद दोनों के दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पिंकू अपनी सौतेली माँ के साथ घर आ रहा होता है। रिंकू का ध्यान सड़क पे नहीं था, तभी अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी पिंकू की तरफ आ रही होती है। यह देखकर सुमन पिंकू को बचाने के चक्कर में उस गाड़ी के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने दोनों पैरों से अपाहिज हो जाती है। लेकिन रिंकू इस बात पे भी अपनी मम्मी को नहीं अपनाता, और एक दिन व्हीलचेयर पे बैठी सुमन पिंकू से कहती है, रिंकू बेटा मेरे लिए पानी ला दो, बहुत प्यास लगी है। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, और आप खुद आए थे गाड़ी के नीचे, मैंने आपको धक्का नहीं दिया था, तो आप भुगतो भी खुदी, अपने पैर खोकर खुद अपाहिज हो गई, और अब मैं इनकी सेवा करूं। रिंकू की ऐसी बातें सुनकर सुमन कूट कूट के रोने लगती है, लेकिन वो अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद दोनों दोस्त पार्क में खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ दोनों खेलने में बेहद ही व्यस्त होते हैं। तभी उनके पास आसमान से एक तोता आकर गिरता है, जो कि घायल होता है। उसे देखकर पिंकू कहता है, रिंकू देखना इस तोते को कितनी ज्यादा चोट लगी है, चल इसको पट्टी कर देते हैं। अबे पागल है क्या, इसके कितना खून निकल रहा है, मैं इसको नहीं छूने वाला। कोई नहीं भाई मैं इसे ठीक करता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उस तोते का घाव भर जाता है, उनके सामने आकर बोलता है, तुम्हारे दयालु स्वभाव ने मुझे अपना बना लिया है, इसलिए मैं तुम दोनों को अपने जादुई नगर में लेके जाना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों चलोगी मेरे साथ? क्या सच में जादुई नगर है? दोनों की मंजूरी मिलने के बाद वो पार्क अचानक से एक सुंदर सी नगरी में बदल जाता है, जहाँ दो बड़े बड़े सोने और चांदी के कद्दू के घर थे। इसी के साथ वो तोता भी अपना रूप बदल कर जादुई परी में बदल जाता है। दोनों दोस्त ये सब कुछ देख कर बिल्कुल ही हैरान ही थे। तभी उनके सामने बना कद्दू का घर बोलता है, आओ पिंकू मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही खास चीज है, जिसकी तुम्हें हमेशा से जरूरत है। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता मुझे किस चीज की जरूरत है? मैं एक जादुई चांदी का कद्दू हूँ, तुमको देखकर तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया, और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की आवाज वापस लाने का एक रस दे सकता हूँ, जिसे पीकर तुम्हारी माँ की आवाज वापस आ जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है, मेरी माँ की आवाज वापस आ सकती है? फिर तो मुझे जरूर दे दीजिए। एक मिनट विंकू, मेरी बात भी सुन लो, मैं सोने का कद्दू हूँ, और मैं तुमको बहुत सारी धन दौलत दे सकता हूँ, इसलिए अपनी माँ को छोड़ो और धन ले जाओ। मेरे लिए मेरी माँ की आवाज से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मुझे वो रस दे दो चांदी के कद्दू।
पिंकू के इतना बोलते ही चांदी के घर के दरवाजे खुल जाते हैं और उसके बाद पिंकू उसके अंदर जाकर वो जादुई रस ले आता है, जिसके बाद सोने का कद्दू रिंकू से बोलता है, रिंकू अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें चांदी के कद्दू से अपनी माँ के पैर मिलेंगे, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी धन दौलत है तो तुम क्या चुनोगे? अरे मैं तो बहुत सारे धन दौलत ही चुनूंगा, मुझे तो हमेशा से अमीर बन के जीना था, मुझे धन दौलत दे दो। तू ये क्या कह रहे रिंकू, तेरी माँ के पैर तुझे बचाते हुए गए, तुमको उनके पैर लौटाने का मौका मिला है, तू तो क्यों पीछे हट रहा है? तू पागल है पिंकू, वो मेरी सौतेली माँ है और सौतेली माँ सौतेली होती है, वो बस सबके सामने अच्छे होने का दिखावा करती है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए, ना कि ऐसी माँ के पैर। इतना बोलकर रिंकू सोने के कद्दू के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर उसको बहुत मार पड़ती है, और ये सब हो जाने के बाद रिंकू रोता हुआ उसमें से बाहर निकलता है और वो डरते हुए बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, सोने के कद्दू में मुझे धन दौलत नहीं मिली बल्कि मुझे मार पड़ी है, ये क्यों हुआ? ये सब तो तुम्हारी नीयत पहचानने के लिए था, और पता चल गया तुम बहुत ही लालची हो, और अब तुम भी अपाहिज होकर अपनी माँ का दर्द समझना। सोने का कद्दू इतना बोलकर रिंकू के दोनों पैर काट देता है और उसको व्हील चेयर पर बैठा कर पिंकू को उसको पैर देकर बोलता है, ये पैर तुम रिंकू की माँ के लगा देना, ठीक है सोने के कद्दू। इसके बाद पिंकू सबसे पहले अपने घर आता है और अपनी मम्मी को वो रस पिला देता है, जिसके बाद उसकी माँ की आवाज वापस आ जाती है। फिर उसके बाद वो रिंकू के घर जाता है, जहाँ पे वो सुमन को सारी बात बता देने के बाद उसके पैर लगाने ही वाला होता है कि तभी सुमन बोलती है, नहीं पिंकू, ये पैर तुम रिंकू के ही लगा दो, मैं उसको ऐसे अपाहिज नहीं देख सकती, मैं अपने खुद को सही करके उसको दुख दे दूं, नहीं नहीं। देखा रिंकू, जिस माँ के बारे में तूने एक भी बार नहीं सोचा, वो तुम्हारे बारे में सोचकर खुद को ठीक करने का मौका गवा रही है। माँ मुझे माफ कर दो, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपकी ममता को नहीं देख पाया, हमेशा आपके अंदर बस एक सौतेली माँ ही देखा, मुझे माफ कर दो माँ, और ये पैर आप ही लगा लो। नहीं मेरे बेटे, तुम ही लगाओ। रिंकू ये पैर तुम्हारे हैं तो ये तुम्हें ही लगेंगे, और आंटी जी आपके लिए मेरे पास एक रस है। पिंकू वो पैर रिंकू को लगाने के बाद रिंकू की मम्मी को वो रस पिला देते हैं, जिससे उनके पैर ठीक हो जाते हैं। जादुई घरों ने ये तुम्हें दूसरा मौका दिया था और तुमने ये मौका गवाया नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तन्नु अपने मम्मी पापा के साथ ऐसो आराम की जिंदगी जी रही थी। तन्नु के पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन उसके पिता के भाई राजेश ने अपने भाई को व्यापार में धोखा दे दिया और तन्नु के पिता को जान से मरवा दिया। कुछ ही समय में तन्नु और उसकी माँ अमीर से गरीब हो गए और राजेश ने उनके घर और व्यापार पे कब्जा करके उन्हें उनके ही घर पे नौकर बना दिया। ऐसे ही एक दिन राजेश की पत्नी कोमल तन्नु के ऊपर पानी डाल के उसे जगाते हुए बोलती है, ओए महारानी, ये तुम्हारे बाप का महल नहीं रहा, चलो उठकर काम करो। जी चाची जी, कर रही हूँ, बताइए क्या काम करना है? तेरी माँ तो काम से बाहर गई है, एक काम कर, तू घर के काम कर और बर्तन धोने के लिए पानी नदी से ले आओ, घर की टंकी में पानी खत्म है, समझी? जी चाची। तन्नु अपने साथ पानी भरने वाले बर्तन को लेकर नदी के पास में जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है नदी के आसपास बहुत ज्यादा गंदगी है, लोग नदी के पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी नदी के पास सफाई नहीं कर रहा था। ये सब देखकर तन्नु नदी के आसपास सफाई करने लगती है और सारी सफाई करके नदी के किनारे बैठकर नदी से बोलती है, प्यारी नदी, ये लोग तुमको कितना गंदा करते हैं, लेकिन तुम फिर भी इनको जल देती हो, आज ये देखकर मैंने बहुत बड़ी बात सीखी है, अगर मेरी चाची मुझे दुख दर्द देती है तो उससे डर के मुझे अपना स्वभाव नहीं बदलना। तन्नु वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद वापस घर लौटती है, जहाँ पे उसकी चाची उसको देर से आने के लिए खूब मारती है। तभी सरस्वती वहाँ पे आके अपनी बेटी को बचाते हुए कहती है, ओह कोमल, आखिर क्यों मार रही हो मेरी बेटी को? घर भी काम करने को बोला था,
नदी किनारे बैठकर आ गई तुम्हारी लाडली। बोलो इस घर में अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ये घर मेरा है, यहाँ काम करोगे तो ही खाने को मिलेगा। चाची मैंने आकर सारा काम कर दिया था, फिर भी आपने मुझे मारा। जुबान चलाएगी तो भी और मारूंगी। नहीं नहीं कोमल, इसको कुछ मत करो, आगे से ये नहीं करेगी ऐसा कुछ। सरस्वती अपनी बेटी को संभालती है और उसे कमरे में लेके जाती है, जहाँ पे वो अपनी बेटी को गोद में सुलाकर उसे प्यार करती है, जिस पे तन्नु अपनी माँ से बोलती है, माँ आज मैं नदी किनारे बैठी और उसकी सफाई की, आज मुझे लगा कि जैसे कि वो नदी बहुत खुश थी, उसकी लहरें मुझसे बात कर रही थी। अच्छा तो मेरी बेटी ने नदी को ही अपना दोस्त बना लिया, चलो सही है, अब तो अकेली नहीं हूँ यहाँ, तुम्हारी दोस्त है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी। उस दिन के बाद से तन्नु रोज वहाँ पे जाके सफाई करती और घंटों तक नदी से बातें किया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर रोज रोज काम करके सरस्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ज्यादा बीमार होने के कारण एक दिन सरस्वती की मौत हो जाती है। और अपनी माँ के जाने के दुख के कारण तन्नु नदी के किनारे बैठकर खूब रोती है, जिस पे अचानक ही उसे वहाँ पे एक अनोखी आवाज सुनाई देती है। रो मत तन्नु, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। ये आवाज आते ही तन्नु इधर उधर देखने लगती है, तभी उसे नदी के अंदर से फिर से आवाज आती है, मैं तुम्हारी दोस्त जादुई नदी, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुमसे बात कर सकती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी माँ के जाने से दुखी हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। नदी तुम बात कर सकती हो, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। तन्नु कितना बोलते ही उसके पेट में से आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो अपने पेट पे हाथ रख लेती है, लेकिन तभी जादुई नदी उससे बोलती है, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। नदी के इतना बोलने के बाद मीना के सामने अचानक से ही बहुत स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये सब देखकर तन्नु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब तन्नु अपनी माँ के चले जाने के बाद अपना ज्यादातर समय नदी के पास ही बिताती थी, यहाँ तक कि वो अपनी चाची के घर में खाना भी नहीं खाती थी। ये सब देखकर एक दिन कोमल खुद से बोलती है, आखिर मीना रोज रोज कहाँ जाती है घर का काम करती ही, और तो और ये खाना तक नहीं मांगती मेरे से, आखिर क्या बात है, पता लगाना पड़ेगा। उसकी चाची तन्नु का पीछा करती है और वो देख लेती है कि तन्नु को जादुई नदी बहुत ही स्वादिष्ट खाना दे रही है। ये देखकर कोमल खुद से बोलती है, तो इस गरीब को ये जादुई नदी मिली है, जब भी इसको उससे खाना मांगने की नौबत नहीं आ रही, क्यों ना मैं भी इस नदी से बहुत सारा खाना और पैसे मांगू। कोमल नदी के पास में जाती है और तन्नु को नदी के पास में पकड़ के लेके जाती है और उसे नदी में फेंकने की धमकी देकर बोलती है, तन्नु की बच्ची अगर तू चाहती है तो इस नदी में ना गिरे तो तू इस जादुई नदी से बहुत सारा पैसा और सोना मांग ले। नहीं चाची मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये नदी आपके लालच को कभी पूरा नहीं करेगी, और वैसे भी मेरे पापा की सारी जायदाद तो आपने और चाचा ने ले ही ली है। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, कोई नहीं फिर गिर नदी में। कोमल तन्नु को नदी में गिराने के लिए उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन पैर फिसलने से वो खुद ही नदी में गिर जाती है, और नदी में गिरते ही उसका शरीर पत्थर का बन जाता है। तन्नु किसी तरह अपनी चाची को उसमें से बाहर निकालती है, लेकिन तब तक उसकी चाची पत्थर का बन चुकी थी। ये देखकर तन्नु बोलती है, जादुई नदी मेरी चाची को ठीक कर दो, माना कि उन्होंने मुझे मारना चाहा, पर मेरी माँ के बाद वही मेरा सहारा है, प्लीज तुम उसको ठीक कर दो। तुम कितनी अच्छी हो तन्नु, जिसने तुम्हें मारना चाहा तुम उसके बारे में सोच रही हो, लेकिन माफ करना मैं इनको ठीक नहीं कर सकती। मेरी बहन जादुई नदी उस जंगल के पार है, तुम वहाँ से पानी लाकर अपनी चाची के ऊपर डाल दो, वो ठीक हो जाएंगी, ये वापस पहले जैसे ही हो जाएगी। ठीक है मैं अभी जाती हूँ। ध्यान से जाना, जंगल बहुत ही खतरनाक है। ठीक है जादुई नदी। तन्नु नदी के किनारे से एक मटका लेकर दूसरी नदी के तलाश में जंगल से होकर जाने लगती है। जंगल में उसे कई जंगली जानवर दिखते हैं,
लेकिन किसी तरह तन्नु उन सभी बाधाओं को पार करके नदी किनारे पहुंच जाती है और उससे बोलती है, प्लीज जादुई नदी मेरी मदद करो, मेरी चाची नदी में गिरने के बाद पत्थर बन गई, उनको ठीक करना है। आओ मीना, मैं जागती हूँ। मेरी बहन ने जादू के जरिए तुम्हारे आने की खबर दे दी थी और बताया भी कि तुम कितनी अच्छी हो, इसलिए तुम मुझसे जितना चाहे उतना पानी ले सकती हो। शुक्रिया जादुई नदी। तन्नु नदी में से पानी भरकर वापस जाती है और पहली वाली जादुई नदी के पास पत्थर बनी कोमल को उस पानी से नहला देती है, जिससे कोमल ठीक हो जाती है और अपना शरीर पहले जैसे देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मीना मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे नदी में गिराना चाहा, लेकिन तूने मेरे लिए इतने खतरनाक जंगल को पार किया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मैं तेरे से घर के काम करवाऊंगी, अब से तू मेरी बेटी बन के रहेगी मेरे साथ। सच में चाची? हाँ मेरी बच्ची, चल अब घर चल। हाँ चाची, एक मिनट। जादुई नदी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए और अकेले होने पर मेरा साथ देने के लिए। मैं यूं ही तुम्हारे पास आती रहूंगी और हमेशा तुमको साफ सुथरा रखूंगी। मुझे भी तुम्हारा इंतजार रहा करेगा तन्नू। जाओ और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। और इन सब के बाद तन्नू अपने चाचा चाची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।